Exercise 2.5 of 9th class. Use suitable identities to find the following product. नीचे हमें आइडेंटिटी गिवन है, हमें इनकी क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट और हमें आइडेंटिटी यूज करनी है. तो यहाँ पे देखिए x+4 x+10. यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 8th क्लास में आप कैसे करके आई हो, जैसे इस ब्रैकेट को आपने ब्रेक किया x, इसके इनटू में क्या आ जाएगा, x+10, प्लस में ये वाला 4 और x+10. पहले आपने x के साथ इस ब्रैकेट को किया, फिर इस 4 के साथ अंदर प्रोडक्ट करोगे, x² + 10x + 4x + 10 = 40. x को अंदर डाल के प्रोडक्ट कर दी, सिमिलरली 4 को अंदर डालकर x² 10x + 4x कितना हो गया, 14x + 40. ये जो आप करते थे ऐसे आप 8th क्लास में करते थे. अब मैं सिखाती हूँ आपको आइडेंटिटी जो आपको 9th क्लास में, ये मैंने करके आपको रिमाइंड करवाया है कि आप ऐसे भी करते थे 8th में. अब मैं इसके लिए आपको आइडेंटिटी बताती हूँ. ये है देखो, x और x सेम है. जब आगे वाला एलिमेंट सेम होगा और पीछे वाला डिफरेंट, हम इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b, यानी x+a x+b. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों के फर्स्ट की मल्टीप्लाई, x और x की मल्टीप्लाई x² और b पीछे वालों की मल्टीप्लाई, a और b की मल्टीप्लाई ab. ठीक है, और बीच में क्या होता है, पीछे वालों का एडिशन a+b और इंटू में क्या होगा, x. आई थिंक ऐसा कोई सम आपने 8th क्लास में भी किया होगा. आइडेंटिटी क्या है, आगे वालों की मल्टीप्लाई करके आगे लिखिए, पीछे वालों की मल्टीप्लाई करके पीछे लिखिए, बीच में क्या लिखोगे, पीछे वालों का प्लस और इंटू में एक बार आपको x लिखनी है. अब देखिए मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ यूजिंग आइडेंटिटी. यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी लिखोगे, पहले यूजिंग दी आइडेंटिटी x+a x+b = x² + a+b का सम × x और पीछे ab की प्रोडक्ट. ये आइडेंटिटी मैं अब यहाँ पे लगाऊंगी, x और x की प्रोडक्ट x², बीच में क्या आएगा, पीछे वालों का एड यानी 4+10 और इनके इंटू में आगे वाला x और प्लस में क्या होगा, पीछे वालों की प्रोडक्ट 40. x² + 14x + 40, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर. आपको ऐसे करना है अब 9th क्लास में. नेक्स्ट सम क्या है, एक और बताती हूँ मैं आपको, इसका सेकंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट था x+8 and x-10. अब देखिए उसमें दोनों पॉजिटिव थे, इसमें दोनों नेगेटिव. आइडेंटिटी यूज करते हैं, आगे वालों की स्केयर एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई x² प्लस में इन दोनों का क्या होता है, सम. सम का मतलब 8+10 है तो हम माइनस का लिखेंगे, इंटू में एक्स प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 × -10. अब आप देखिए मैंने क्या किया है, आगे वालों की मल्टीप्लाई x², पीछे वालों की 8 और -10 की मल्टीप्लाई. याद रखिए माइनस का था, मैंने इस पे ब्रैकेट डाल दी, बीच में इन दोनों का सम, 8 में क्या प्लस करना है, -10 × x. x² - 10 में + 8 करेंगे तो क्या रह जाएगा, -2x और 8 × 10 = -80. आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 8 में -10 को + करेंगे तो -2 बचेगा. आप माइनस वाले को ऐसे करोगे. सिमिलरली इसमें भी वही आइडेंटिटी यूज होगी. ये क्या है हमारा x+a x-b. ठीक है, जैसे x+a x+b, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट हम इस माइनस के साइन को चेंज कर लेते हैं. आपको आइडेंटिटी यही यूज करनी है, आगे वाले सेम है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा था एक्स और एक्स की हम प्रोडक्ट करते हैं, एक्स और एक्स की प्रोडक्ट x² सेम होते हैं तो स्केयर लिख देते हैं, या एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए 3x और 3x की मल्टीप्लाई, या तो आप इसको 3x की स्केयर लिख दो, या एक बार डायरेक्ट 9x² भी लिख सकते हो. 3x की मल्टीप्लाई 3x², बीच में क्या आएगा, प्लस दोनों कॉन्स्टेंट नंबर की एडिशन 4, प्लस में -5 लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो -5 × x
प्लस में पीछे वालों की मल्टीप्लाई, 4 और माइनस 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस की 20, ये बन गया 9x के माइनस का 1x और माइनस के 20। मैंने आपको स्टेप वाइज बताया, आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट आता है वो है वाई स्केयर प्लस में 3/2, वाई स्केयर माइनस में 3/2। अब देखो ये हमारे पास क्या है, वन टाइम नेगेटिव वन टाइम पॉजिटिव। जब हमने पीछे वाले सम किए उनमें क्या होता था, आगे वाला तो सेम होता था बस, बट पीछे वाली चीज अलग हो जाती थी। अगर सम में पूरी स्टेटमेंट सेम हो, सिर्फ किसका डिफरेंस हो, साइन का। ये देखिए ये भी वाई स्केयर है, ये भी वाई स्केयर है, ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, सिर्फ चेंज क्या है, साइन। इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वन टाइम नेगेटिव वन टाइम पॉजिटिव। ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट स्केयर माइनस में सेकेंड स्केयर। वाई स्केयर की स्केयर, फर्स्ट स्केयर मतलब फर्स्ट स्केयर माइनस में सेकंड की स्केयर। वाई स्केयर पे ऑलरेडी स्केयर है तो वाई 4 माइनस में 9/4। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सम। अब ये देखिए 3-2x 3+2x, आगे वाले भी दोनों में सेम है, पीछे वाले भी सेम है, चेंज क्या है, सिर्फ माइनस का साइन। मतलब एक बार टर्म नेगेटिव है, एक बार टर्म क्या है पॉजिटिव। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर। फर्स्ट कौन, 3 की स्केयर माइनस में सेकंड कौन, 2x की स्केयर। 3 स्केयर इज 9 माइनस में 2 स्केयर इज 4 एंड x स्केयर इज x स्केयर। नाउ आपके पास जो सेकंड सम है वो क्या है, इवेलुएट फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। हमें फॉर्मूले से इनकी प्रोडक्ट करनी है। 103 है मान ली गिवन है हमें, और ये सेकंड सम का है आपका फर्स्ट पार्ट। हमें इनको मल्टीप्लाई किए बगैर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए हम 103 को लिख सकते हैं 100+3, ये माइनस मल्टीप्लाई का साइन सेम। और 107 को मैं लिख सकती हूँ 100+7। अब देखिए ये देखिए हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आगे वाले जिनके सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है पीछे वालों में। आगे वालों की मल्टीप्लाई 100 की 100 से मल्टीप्लाई, यानी मैं इसको 100 स्केयर लिख सकती हूँ। और पीछे पीछे वालों की मल्टीप्लाई यानी 3/7। देखो दोनों में फर्स्ट फर्स्ट की मल्टीप्लाई, 100 की मल्टीप्लाई मैंने लिखा 100 स्केयर, पीछे पीछे वालों की मल्टीप्लाई, और बीच में हम क्या लिखते हैं, पीछे वालों का प्लस करके आगे वाला एक, पावर नहीं लगानी आगे वाले को, इनटू में 100 की स्केयर 20 से क्या हो जाएंगी 40, ये कितना हो गया 21 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं है एडिशन है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई में 100, और ये कितना हो गया 21। अब ये देखिए 10,000 और ये कितना है 1,000 और प्लस में 21, तो ये हमारा हो जाएगा 11,021। ये आपका सम आ गया। नेक्स्ट में इन्होंने दिया है 95 × 96, सिमिलरली सेकंड सम का है पास। अब हम इसको, आप इसको 100-5 करके भी कर सकते हो, 90+5, बट 90+ करके हमको ये पड़ेगा टफ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100-5, 95 को मल्टीप्लाई में 100-4, बहुत इजी है। आगे 100 की मल्टीप्लाई यानी 100 की स्केयर लिख सकती हूँ मैं, प्लस में पीछे किसकी मल्टीप्लाई, -5 और -4 की मल्टीप्लाई, प्लस में अंदर क्या, इन दोनों का एडिशन, -5 और -4 को प्लस करेंगे तो माइनस का 9 बनेगा, और आगे वाला वन टाइम इनटू में 100 की स्केयर क्या हो जाएगा 10,000, -4 और -5 को ऐड करेंगे, माइनस का 9 मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पे देखिए 5 और 4 की मल्टीप्लाई 20, और 2 माइनस की मल्टीप्लाई वापस प्लस हो जाएगा 20। देन हियर 10,000 माइनस में 900 प्लस में 20, इन दोनों को हमने प्लस किया, ये हो गया 10,020, और इसमें से क्या कर लीजिएगा 900 आप माइनस कर लेना, 10,020 में से 900 माइनस करेंगे हम 1 और 9, ये रह जाएगा 91,220।